सैकड़ों हजारों छात्रों के साथ खिलवाड़ है। जो अभिभावक बहुत ज्यादा गरीब है, वो फीस नहीं दे पा रहे हैं, उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय है। दरअसल मामला यह है कि जो निजी आयुष विद्यालय में अध्ययनरत छात्र हैं, उनकी फीस 80,000 रुपए से बढ़ा करके 2,10,000 रुपए, 76,000 से बढ़ा करके 1,10,000 रुपए इस तरह की कर दी गई थी 2015 में। और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस सरकार के आदेश को वर्ष 2018 में अपास्त कर दिया था। उसके बाद सरकार समझ लीजिए, चाहे जो निजी आयुष महाविद्यालय वाले लोग हैं, वो ऑनरेबल हाईकोर्ट में स्पेशल अपील में गए और स्पेशल अपील में भी उसको ऑनरेबल हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया वर्ष 2018 में। उस बात को लगभग 4 साल आज हो गए। 4 साल के अंदर ऑनरेबल हाई कोर्ट का आज तक अनुपालन कराने में चाहे सरकार हो चाहे शासन हो, नाकाम साबित हुआ है। और शासन की बात मानने को कुल सचिव तैयार नहीं है, कुल सचिव की बात मानने को निजी आयुष महाविद्यालय वाले जो प्रबंधक हैं, जो उनके मालिक हैं, वो मानने को तैयार नहीं है। ऑनरेबल हमारा राजभवन है, राजभवन के आदेश भी वहाँ निष्प्रभावी हो गए। हमारा कहना यह है कि ऐसे में जब सरकार के आदेश नहीं चल रहे, शासन की बात को कोई सुन नहीं रहा है, तो ऐसे में एक ही विकल्प बचता है कि इस प्रदेश के अंदर सरकार का औचित्य क्या है, क्यों नहीं सरकार को बर्खास्त किया जाता। राजभवन से हमारी यही मांग है, ऐसे गैर जिम्मेदार सरकार को, निकम्मी सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए, क्योंकि ये उन तमाम गरीबों से जुड़ा हुआ मामला है जो बेचारे दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ा ये मामला ये है कि अगर अमीरों पे कोई कार्रवाई करने की बात होती है तो सरकार उसके हाथ पैर फैल जाते हैं, और वहीं दूसरी ओर अगर कोई गरीब है, उनकी झोपड़ी तोड़नी है या उनके मकान ध्वस्त करने, तो सरकार उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, लेकिन अमीरों के मामले में ठिठक जाती है। तो यही हमारा कहना है कि ये आज समझदार।